शुभराज भूमि भास्कर, तुम लोगों को 5 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लैरिटी सही आ रही है, काम नहीं कर रहे यार। सेकेंड एक्सरसाइज में अपन को पढ़ना है इक्वल सेट। इक्वल सेट ठीक है ना? तो भाई दो तरीके के इक्वल सेट हैं। दो तरीके के नहीं, इक्वल सेट होता क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन जुड़ा ऑनलाइन नाम बताओ बच्चों। क्यों बच्चों ऑनलाइन में कौन कौन आया है नाम बताओ। सर अर्पित, अर्पित और भूमि। ओके ठीक है, कौन जा रही है? ठीक है देखो, तो इक्वल सेट देखिए क्या होता है। लिखो तो इक्वल सेट पढ़ने के पहले ये समझो कि इक्विवेलेंट सेट क्या है। इक्वल सेट पढ़ने के पहले इक्विवेलेंट सेट क्या है ये जानो। ये सेट है आपके पास, एक है ए और एक है बी, ठीक है। इसके अंदर मैं एलिमेंट दे रहा हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और इसके अंदर मैं एलिमेंट दे रहा हूँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये दोनों एलिमेंट देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। बट मैं कहूंगा व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, आप कहोगे 3, एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, आप कहोगे 3। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? बराबर है। तो ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। बस सिंपल इतना ही है, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। अब इक्वल सेट का मतलब समझो, इक्वल सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो भाई इक्वल होंगे ही, और साथ ही साथ क्वालिटेटिव एलिमेंट भी इक्वल होंगे, वही के वही एलिमेंट होंगे, मतलब आइडेंटिकल। क्या होंगे? आइडेंटिकल। अब जैसे मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, एक सेट बी है ठीक है ना। ये सेट ए में भी कैपिटल एलिमेंट है ए बी सी, और यहां है बी यहां है सी यहां है ए। रिगार्डलेस द ऑर्डर, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, कोई कहां आ रहा है। आप देखो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक है, और जो क्वालिटी वाइज एलिमेंट ए है ये ए है, बी है बी है सी है सी। तो ऐसे सेट को अपन क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही, और साथ में एलिमेंट के नंबर ऑफ इक्वल तो होंगे ही, साथ ही साथ एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे। लिखो, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ, 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 इफ क्या क्या चीजें? नंबर वन, इफ नंबर ऑफ इन इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हों, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे,
और साथ ही साथ क्वालिटेटिव जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होना ही है, साथ ही साथ क्वालिटेटिव जो एलिमेंट है वो भी आपको इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब यदि यहां पर है गाय भैंस बकरी, तो यहां भी क्या हो, गाय भैंस बकरी। हाँ, भैंस बकरी गाय कुछ ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई बेटा, हमने दो चीज पढ़ ली। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। इक्वल सेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो हो, साथ ही साथ क्वालिटेटिव एलिमेंट भी आइडेंटिकल, सेम टू सेम। यहाँ गाय है तो इधर भी गाय होनी चाहिए। अच्छा, इधर गाय है इधर शेर हो जाए तो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तब इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, पढ़ा दिए। अब एक सवाल उठता है, बताओ हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है कि हर इक्विवेलेंट इक्वल होता है? हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट कहलाएगा या इक्विवेलेंट इक्वल कहलाएगा? हाँ, एवरी इक्वल सेट टर्म एज अ इक्विवेलेंट सेट, मतलब हर इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट कह सकते हो, मगर इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं कह सकते हो। लिखो, एन इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, एन इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। इक्वल सेट जो होता है हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट। चलो अब अगला टॉपिक आता है बेटा, तो इस जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2 में एक तो है फाइनाइट सेट। अगला लिखे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, लिखे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। Types of set. Offset. ये हम किस बेस पे टाइप्स कर रहे हैं? On basis, on the basis of number of element. हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सेट का, तो क्लासिफिकेशन क्या है? On the basis of number of elements. है ना? कि number of elements कितने हैं? तो number of elements जो हैं, हो सकते हैं कि निश्चित हो, काउंटेबल हो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है तो दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अ फाइनाइट सेट एग्जांपल, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10, अगर मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू सपोज a e i o u, तो यहां पे यार देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, या ए की कार्डिनलिटी कितने है? 5 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 5 है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनाइट सेट। ये क्या है? फाइनाइट सेट। ओके, अब यहां पर एक सेट देख लो, ए इज इक्वल सपोज नेचुरल नंबर ले लो, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के 2, 3, 4 डॉट 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 कभी खत्म नहीं होता ना, तो यहां पर इसमें कितने एलिमेंट है? अनलिमिटेड एलिमेंट है, तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट, ठीक है। यस, नोट करो। सो ये हो गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। Finite and infinite. Okay. ये हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट। अब देखिए, सो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.2 का काम पूरा। 1.2 में जितना है मैंने पूरा करा दिया, फाइनाइट इनफाइनाइट इक्वल नॉट इक्वल, ठीक है ना। अब 1.3 की तरफ चलते हैं जिसमें हमको पढ़ना है सबसेट। क्या पढ़ना है? सबसेट, ठीक है ना। लिखिए, हेडिंग डालिए सबसेट, सबसेट। ठीक है ना, सबसेट। तो सबसेट की डेफिनेशन आप सबसेट कैसे समझते हैं? जैसे मान लो एक फैमिली है, हाँ जी, एम्प्टी सेट फाइनाइट में आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। लिखिए, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट।
ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब देखिए जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैंने कहा एक सेट ए, ए इज द सच दैट एक्स, ए इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स, ओके, ए उन एलिमेंट का कलेक्शन है, ओके, व्हाट इज एक्स इज द ह्यूमन, एक्स इज द ह्यूमन लिविंग ऑन मून, उन लोगों का कनेक्शन जो मून में जिंदा रहते हैं। क्या कोई है ह्यूमन जो मून में जिंदा रहे? नो, कोई नहीं है। मतलब आप कहोगे भैया ए का मतलब खाली, कुछ नहीं खाली। और इस चीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। ये ब्रैकेट को ही शो किया जाता फाई से, मतलब ए ने यहां किसका नाम ले लिया? फाई का नाम ले लिया। तो ये कहलाता बेटा एम्प्टी सेट। अब मैं बोलूंगा कि फिलहाल इस जगह पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है? क्या कोई एलिमेंट है? नहीं, जीरो, जीरो फाइनाइट है, निश्चित है ना, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब अपन काउंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है मतलब काउंट ही तो है, मेरे जेब में कोई भी रुपए नहीं है, मतलब काउंटेबल है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। तो जीरो एक फाइनाइट सेट का, एम्प्टी सेट जो है फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सो आप इसको एन ए लिख दें या एन फाई लिख दें, इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई इक्वल टू जीरो, ये फाइनाइट है। इसी को बेटा एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसी को वॉइड सेट बोलते हैं, इसी को नल सेट बोलते हैं, ठीक है ना? तीनों इसी के नाम है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है? चलो अब पढ़ते हैं सबसेट, ठीक है ना? सबसेट क्या है? सबसेट मतलब एक फैमिली से, एक फैमिली के अंदर की ही छोटी सी फैमिली। सेट मतलब फैमिली, सब मतलब छोटी फैमिली, एक फैमिली के अंदर की ही छोटी सी फैमिली क्या कहलाती है? सबसेट कहलाती है। एक बड़ा परिवार होता है तो बड़े परिवार में लोग काउंट होते हैं, जैसे आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, वो सभी एक बड़ी फैमिली है, भले हमारे छोटे दादा बड़े दादा या जो भी जितने लोग हैं दूर दूर रहते हैं, बट हम उन सबे फैमिली के अंदर छोटी छोटी फैमिली बना चुके हैं। तो हम लोग कहलाएंगे, हम लोग खुद में एक फैमिली बन चुके हैं। ऐसे मैंने कहा कि जैसे मान लो ये अपने पास है एक बड़ी सी फैमिली, एक बड़ी सी फैमिली है, मान लो समथिंग ये गुप्ता फैमिली है, ओके। अब इसके भीतर यहाँ ग्रैंडफादर है, यहाँ ग्रैंडमदर है, ओके, यहाँ डैडी है, ओके, और यहाँ बड़े अंकल हैं, अंकल नंबर वन, अंकल नंबर टू, अंकल नंबर थ्री, ठीक है ना? अब आप देख रहे हो, मान लो उन ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के अगर चार बच्चे हैं, अंकल नंबर वन, अंकल नंबर टू, अंकल नंबर थ्री। अब उन लोगों ने इस फैमिली के अंदर अंकल नंबर वन की आंटी नंबर वन, ओके, आंटी वन, देन उनके चिल्ड्रन वन, ओके, और ये फिर यू टू, अंकल नंबर टू में दिस इज आंट नंबर टू और चिल्ड्रन उनका टू, और ये फैमिली फिर थ्री एंड चाइल्ड नंबर थ्री, ये देख रहे हैं आप। तो इस फैमिली की छोटी छोटी ये फैमिली चुकी है, तो ये जो कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? सबसेट। तो अपसेट का मतलब है कि जो चीज अंकल नंबर वन वो अपनी फैमिली में तो है ही, साथ ही साथ वो एक बड़ी फैमिली में है, उस बड़ी फैमिली को बोलते हैं हम लोग सुपरसेट। क्या बोलते हैं? सुपरसेट। तो अगर आप यहाँ पे बी को बोले सुपरसेट तो आपको ए को बोलना पड़ेगा सबसेट, और आप इसको लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैं रटने के लिए बच्चों को बताता, ए इज द चाइल्ड ऑफ, मतलब ए जो है, ए फैमिली जो है वो बी से अलग हुई ना, बनी है ना, तो ए जो है फैमिली बी का बच्चा हो गई। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। So A is the subset of B का मतलब क्या होगा? A is the subset of B. This implies that अगर A B का subset है, इसका मतलब if अगर X कोई family A का element है, मतलब अगर X जो है A के अंदर बैठा है, X अगर किसके अंदर बैठा है? A के अंदर बैठा है, समझ गए ना? X अगर A के अंदर बैठा है, therefore X should also belongs to B। मतलब अगर कोई छोटी फैमिली के अंदर है तो वो बड़ी फैमिली के अंदर भी होगा, समझ गए? नोट करिए, X belongs to A, this implies that if, यहां पे ऐसा आएगा, this implies that x belongs to b, a is the subset of b,
अगर एक्स जो है फैमिली ए का मेंबर है तो एक्स जो है फैमिली बी का मेंबर होगा. आपकी बुक में लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए, अगर फैमिली ए का मेंबर है. दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ए जो होगा यकीनन फैमिली बी का भी मेंबर होगा. जो ए होगा वो यकीनन फैमिली बी का भी मेंबर होगा. ठीक है, यस यस. अब देखिए, अब हम सबसेट बनाना सीखते हैं. एक और सेट बताना था मुझे, लिखिए सिंगलेटन सेट. लिखिए सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन, SINGLETON, सिंगलेटन सेट. अगर ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलेटन सेट. ठीक है, आपको ये लगता होगा कि किसी सेट में एक एलिमेंट होने का मतलब है कि वहां पर केवल एक ही चीज होगी. नहीं बच्चों, सेट जो होता है वो क्वालिटेटिव बताता है, क्वांटिटेटिव नहीं बताता है. अब आप इसको सही से समझिए. आप किसी बगीचे में गए और वहां वो बगीचा रोज का है, गुलाब ही गुलाब लगे हुए, हर तरफ गुलाब के फूल लगे हुए. अब आपने कहा मुझे गुलाब का बगीचा बनाना है, तो आपने सभी गुलाब को क्या ऐसा लिखोगे रोज 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 रोज? नो, ये सेट ही तो है. तो ये फैमिली ऑफ रोज, मान लो रोज का नाम आपने ए दे दिया. क्या नाम दे दिया? ए. तो आप क्या कहोगे? सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए. अब देखने में क्वालिटेटिव केवल एक गुलाब है, मगर हो सकता है वहां पे 10 लाख लगे हों. समझ रहे हो ना, वहां पे कितने भी लगे हों. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल वहां पे एक रोज ही है. ये आप नहीं बता सकते हो कितने हैं. हो सकता है एक हो या हो सकता है अनेक हो. तो सेट आपको किसकी स्टडी देता है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं देता है. समझ में आया? तो ये हो गया सिंगलेटन सेट. अब सबसेट बनाते हैं अपन. देखिए तो सिंगलेटन सेट में केवल कितने एलिमेंट होंगे? एक. ठीक है ना, सिंगलेटन सेट में केवल एक एलिमेंट होंगे. और अगर आप सिंगलेटन सेट को एन निकालोगे, कार्डिनलिटी निकालोगे, कितना आएगा? 1. जैसे कोई सेट ए है, ए इक्वल्स टू ए. अब इसका निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सिंगलेटन है, आंसर कितना आएगा? ठीक है ना. अब लिखिए सबसेट. सबसेट पढ़ रहे थे, अब सबसेट बनाना सीखते हैं कि किसी के कितने सबसेट होते हैं. तो पहला चीज लिखो, लिखो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. रूल है, दो चीजें हैं. एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट जो है खुद का सबसेट है. हर सेट जो है खुद का सबसेट है. क्यों है? देखो बच्चों, मान लो आप एक फ्लावर के सेट पे गए जहां पे एफ है, फ्लावर है ना, एफ फ्लावर है. और वहां पर लगे हैं मान लो कुछ रोज लगे हैं, 1000-2000, कुछ मैरीगोल्ड लगी है, कुछ लिली लगी है, और कुछ मान लो लोटस लगे हैं. लोटस कितने हैं? 6000-7000 है, बहुत सारे नंबर में है. आपने क्या किया? दो दो गुलाब उठाए, दो मैरीगोल्ड उठाई, दो उठाए ये, दो उठाए ये. इसका मतलब ये तो खाली नहीं कर दिया ना आपने. आपने दो दो उठा करके एक नया सेट बनाया. आपने दो उठा करके एक नया सेट बनाया. मान लो उसका नाम दे दिया आपने F1. क्या नाम दे दिया? F1. तो इससे दो रोजेस हैं. तो बताओ क्या लिखोगे? दो रोज लिखोगे कि रोज ही लिखोगे? टू रोजेस लिखोगे कि दो रोज ही लिखोगे? रोज ही लिखोगे. दो उठाओ, 10 उठाओ, कोई मतलब नहीं है. चलना क्वांटिटेटिव के हमको, क्वालिटेटिव पे. तो यहाँ भी रोज लिखोगे. दो मैरीगोल्ड उठाई या 10 उठाई मैरीगोल्ड, यहाँ भी लिली और यहाँ भी लोटस. बोलो आया समझ में? अब ये जो नई फैमिली बनी है इसी से तो बनी है, फोटोकॉपी करके इसका. तो ये क्या हुआ? इसका क्या हुई? सबसेट, मतलब F1 इज द सबसेट ऑफ F. समझ में आया? और ध्यान से देखो क्या इसकी फोटोकॉपी है? है, इसलिए क्या लगेगा? इक्वल सेट. क्या लगेगा? इक्वल सबसेट. ये कैसा सबसेट है? इक्वल सबसेट. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैसा सबसेट बन गया? ये इक्वल सबसेट बना. ठीक है बेटा, कहो दोस्त क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? इक्वल सबसेट. अब आप मान लो कि आप तीन चीजें उठाते, चौथी चीज नहीं उठाते. आप कहते नहीं सर, मुझे लोटस पसंद नहीं है, मैं तो अपना नया जो सबसेट बनाऊंगा F2, उसमें मेरे पास तीन चीज रहेंगी. एक तो रहेगा रोज, एक रहेगा मैरीगोल्ड, एक रहेगी लिली.
समझ गए, F2 बन गया। देखो ये इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है, है ना, इससे कम है, मगर ये बताओ ये जो बना है ये इसका बच्चा तो है ना, इसी की फैमिली से अलग हुई ना फैमिली, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इसको बोलोगे प्रॉपर सबसेट। क्या बोलोगे? प्रॉपर सबसेट। तो F2 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या? F। अब यहाँ पे इक्वल मत लगाना, ठीक है बेटा, F2 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ F, ठीक है, ठीक है ना। अब एक बहुत जबरदस्त काम की चीज लिखवा रहा हूं मैं, बहुत बहुत काम की चीज, लॉजिक दिमाग को चलाना। अब मैं पहले लिखवा देता हूं, लॉजिक ये है, टू सेट्स बेटा जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे कल वो इन्हीं चीजों से होंगे, जो क्वेश्चन तुम कर रहे थे ना उसमें लेट एक्स लेकर के करना होता है, वो बहुत बोर करने वाले वाहिया टाइप के क्वेश्चन है, अपन करवाएंगे, हालांकि थोड़ा सा बोर करेंगे, आपको आते नहीं है वो, फिर भी करेंगे अपन। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, दो फैमिली, दो सेट इक्वल कहलाएंगे। कब? अगर सेट की सबसेट की भाषा में देखा जाए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, फील कर पाए कि नहीं कर पाए? अगर दो सेट इक्वल है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, एक रुपए के सिक्के के दो ले लो, एक रुपए के सिक्के के दो क्वाइन ले लो, सिक्के के क्वाइन क्या होंगे, एक रुपए के दो क्वाइन ले लो, अब एक रुपए के दो क्वाइन ले लिए, एक हो गया ए और एक हो गया बी, दोनों इक्वल है कि नहीं है? कंडीशन क्या होगी? ए के ऊपर बी आ जाएगा, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का और दूसरे सिक्के के ऊपर पहला वाला सिक्का, हाँ या ना? मतलब दोनों तरफ से ओवरलैप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब कह सकते हो फैमिली ए इज द चाइल्ड ऑफ बी एंड फैमिली बी इज द चाइल्ड ऑफ, अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दोनों इक्वल सबसेट नहीं कहलाएंगे। जैसे कैसे? ये देखिए, ये ए है, ए के अंदर बी भरा हुआ है, ये देखो अब दिक्कत है। अब बी जो है ए का चाइल्ड है, क्योंकि बी फैमिली छोटी है, ए फैमिली बड़ी है। देखो बेटा ध्यान से, बी किसके अंदर आ रहा है? ए के अंदर। बट क्या ए बी के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ए जो है बी के अंदर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो बेटा? बी जो है ए के अंदर आ रहा है, मगर क्या ए बी के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो बी जो है ए का सबसेट तो है, मगर क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है ना। बोलो कंफ्यूज हो क्या? हाँ, सो बी इज द सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, इसलिए क्या दोनों इक्वल कहे जा सकते हैं? क्या नहीं कहे जा सकते हैं? अब मैंने ये बनाया ए और इसी के ऊपर मैंने छल्ला जड़ दिया बी, तो दिख रहे होंगे थोड़ा सा गैप है, हल्का सा दिख रहे हैं आपको? अब देखो क्या कह सकते हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस की नो, और बी इज द सबसेट ऑफ ए, यस की नो, आया ना? ए बी के ऊपर है और बी ए के ऊपर है, मतलब ए इज इक्वल टू बी। नोट करो, काम की चीज है बहुत ज्यादा। थैंक यू, ठीक है ना। इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, हाँ भाई कोई डाउट है ऑनलाइन आदि? नो सर। ठीक है, तो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये दोनों सेट इक्वल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अभी सबसेट बनाना सीखते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे। पहले मैंने क्या लिखाया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है। क्यों? तरीका मैंने बताया था। अब ये पता नहीं चलेगा कौन किससे निकला है, यहां देखो ये पता चल क्या कौन किससे निकला है? ये तो मैंने बता दिया था कि आप एक फूल के बगीचे में गए थे, 2000 गुलाब थे, तो आपने इसमें से इसको निकाल लिया। अब मैंने दोनों को मिटा दिया, मैंने आपके सामने बस ये रख दिया कि ये इसका नाम है, ये इसका नाम है बी। क्या पता कर पाएंगे कौन किससे निकला है? नहीं। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब लिखो एम्प्टी सेट, दूसरा नोट डाल के लिखो, दूसरा नोट डाल के, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यार ये मान के चलो कि हर सेट के पास थोड़ी मोटी जगह होती खाली, और उसमें जगह खाली है, मतलब वो क्या है? एम्प्टी सेट। मतलब क्या है? एम्प्टी सेट है मतलब हर सेट के पास, चाहे कैसा भी हो, उसके पास थोड़ी बहुत जगह होती है,
तो हर सेट का जो सबसेट बनेगा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। कोई भी सेट है आपके पास ए, उसका एम्प्टी सेट रहेगा क्या, ए। और एम्प्टी सेट याद रखना पर सेट होता है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, हमेशा क्या होगा प्रॉपर। हाँ तो लिख लो एम्प्टी सेट इज द सब एवरी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। चल बढ़िया, अब देखते हैं कुछ सबसेट बनाते हैं। जैसे पहला एलिमेंट, पहला मैं सेट लेता हूं वन, अब चलिए इसके सबसेट बनाते हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया भैया फाई, फाई जो होगा फाई इज द सबसेट ऑफ ए, बोलो यस। और खुद ए जो होगा ए का सबसेट होगा, तो कितने बन गए टोटल दो, कितने बन गए दो, समझ गए ना लॉजिक पकड़ो। टोटल एलिमेंट कितने थे वन, तो टू की पावर वन कर दिया तो कितना आएगा टू, ठीक है ना। अभी ये क्या है कि थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अब देखना दूसरा सेट मैंने लिया, मान लो दूसरा सेट लिया बी, बी में दो एलिमेंट है बेटा वन और टू, चलो सबसेट बनाओ। तो सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा, फाई इज द सबसेट ऑफ बी, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, फाई इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरा बी इज द इक्वल सबसेट ऑफ बी, ये देखो क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो दो तो ये पहले ही निकल गए। अब देखो नए बनाओ, मान लो बी वन, बी वन मैंने नया सेट बनाया केवल क्या वन, अब वन और टू में से वन की फैमिली अलग हो गई, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है, है ना इसका चाइल्ड सेट है ना ये, हाँ। दूसरा बी टू, टू हाँ या ना, और कोई बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। देखो टोटल कितने बने फोर, कितने बने फोर, क्या मैं फोर को टू की पावर टू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब तक एक एलिमेंट था तो टू की पावर वन लिखा, दो एलिमेंट हो गए टू की पावर टू लिखा, तीन में देखते हैं वेरीफाई हो जाएगा। तीसरा मैंने सेट ले लिया सी वन टू थ्री, तो पहले एक तो फाइव बन गया बेटा, फाइव इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना, हाँ फाइव इज द सबसेट ऑफ सी। दूसरा सी इज द सबसेट ऑफ सी, अरे ये तो पूरे एक जैसे हो गए, सी इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना। और तीसरा देखिए, तीसरा देखिए अपने पास कौन है भैया, अपने पास सेट ऑफ वन, वन अपनी फैमिली लेके अलग हो जाएगा, तो वन इज द सबसेट ऑफ सी। टू थ्री फोर, नहीं फोर क्यों, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री एंड वन कॉमा थ्री, बस इसके अलावा और कोई नई फैमिली नहीं बन सकती। सी 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 के सबसेट 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 सबसेट, काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो क्या हुआ एट, एट मतलब टू की पावर कितना थ्री, नहीं नहीं बन सकते, मतलब आप ये कह रहे हो कि वन टू के जो टू वन हो जाए, ऑर्डर का कोई फर्क मतलब नहीं, सेट में ऑर्डर मैटरलेस, समझ गए हाँ। नहीं 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 वन टू टू वन नहीं बेटा, वन एक ही बार आएगा, कोई बात होगी ना, गुलाब लगे हैं, गुलाब यानी गुलाब, अब एक लगे हो या एक लाख लगे हो, वन टू टू वन मतलब वन को दो बार कंट्रीब्यूट किया और टू को दो बार कंट्रीब्यूट किया, नहीं है ना, क्वालिटेटिव, समझ गए ना, क्वालिटेटिव आपके अंदर का गुण, आपके अंदर का गुण, आपने कोई अच्छा काम किया, एक बार किया दस बार किया, आपकी अच्छाई है और अच्छाई एक बार ही होगी, ठीक है ना। क्वालिटेटिव दो चीजें होती है, क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव स्टडी है क्या, नहीं इसको पावर ऑफ नहीं कहते, पावर सेट नहीं कहते इसको, पावर सेट आने वाला है, पावर सेट जो होता है इन सबको जोड़ के जो सेट बनेगा वो पावर सेट बनेगा। पहले ये लिख लो सबसेट, डन, क्लियर हो गया बेटा। चलिए ये हो गया, अब लिखिए, ये रफ कर रहा हूं मैं। तो टोटल क्या लॉजिक बना कि अगर किसी सेट में, अगर कोई सेट ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इक्वल्स टू सपोज एन आ रहा है, ध्यान देंगे प्लीज, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है तो जो उसके सबसेट बनेंगे बच्चों कितने बनेंगे, टू टू दी पावर एन, नोट करो, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनेंगे टू टू दी पावर एन, ठीक है बेटा, समझ में आया।
अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनेंगे 2 to the power n। भूमि, पिंकी, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, क्लियर। अब लिखिए पावर सेट। पावर सेट ये मान लीजिए आपके पास कोई सेट सी था, अब पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? कोई फैमिली, सपोज आपके पास ए है, ठीक है ना, अभी ऐसा समझो, मान लो आपके पास कोई फैमिली ए है, 1 2 3 1 2 3। अब इसके जो सबसेट बनेंगे वो लिख डालो। इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे देखो, 1 बनेगा 2 बनेगा 3 बनेगा 1 2 बनेगा 1 3 2 3, हाँ 1 2 3 और साथ में 5। ये सारे क्या बन गए? सबसेट। सारी फैमिली बन गई, सबसेट बन गए। इन सारे सबसेट का भी सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट। दिस इज पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो अब लॉजिक ये है कि इस पावर सेट के एलिमेंट कौन होंगे? इस पावर सेट के एलिमेंट उस गिवन सेट के क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। तो किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने सबसेट बन रहे थे। तो पिछले बार 8 एलिमेंट थे 8 सबसेट बन रहे थे, तो 8 एलिमेंट इसके एलिमेंट बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? देखो बेटा, इसके कितने सबसेट बन रहे थे? 8 बन रहे थे ना, और वो 8 के 8 आके कहां बैठ गए? इसके एलिमेंट की फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में बैठ गए ना। तो अब ये क्या है? एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? पावर सेट के। मगर किसके सबसेट हैं? ए के। ए के तो सबसेट हैं, मगर पावर सेट के क्या हैं? एलिमेंट हैं। आगे समझ में? तो ये पावर सेट के। तो कोई बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होते हैं, बताओ कितने होंगे? हाँ, अरे कितने होंगे? जितने सबसेट हो रहे थे ए के, वही तो भर गए। तो आंसर क्या होगा? 2 to the power n। हाँ बोलो पिंकी, समझ में आया? Yes. नहीं, वो अगर आप करली ब्रैकेट क्यों लगाओगे? नंबर है बेटा, नंबर में करली ब्रैकेट नहीं आता है, सेट में आता है। चलो नोट करो, और जो ना समझ में आए पूछो। ठीक है, ये हो गया अपने सबसेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट मतलब जितने होंगे इसमें, जितने सबसेट बनेंगे वो इसके एलिमेंट बन जाएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए पूरी एक्सरसाइज विद एग्जांपल लगाना शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइए। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर मैं कहूं सेट 1 और यहां पावर सेट ऑफ ए, तो बताओ सेट 1 जो है वो पावर सेट का क्या है? एलिमेंट है कि सबसेट है? क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा या सबसेट आएगा? बिलोंग्स टू, क्योंकि एलिमेंट 1 जो है वो इस पावर सेट का क्या है बेटा? एलिमेंट है। सो एलिमेंट 1, सेट ऑफ 1 इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए। ठीक है बेटा, बट यदि मैं कहता कि एलिमेंट 1 ए के साथ क्या रिलेशनशिप है इसकी, तब बिलोंग्स टू आता कि सबसेट आता? तब सबसेट, क्योंकि एलिमेंट 1 क्या है? सबसेट है ना, और उसके लिए क्या है? वो एलिमेंट है। अभी यहां के लिए क्या? सेट ऑफ 1 सबसेट है इसका। तो ध्यान से रखिएगा, चलो सॉल्व करो पूरी एक्सरसाइज एग्जांपल, बड़ी स्पीड के साथ करो।
ऑनलाइन वाले बच्चों भी सॉल्व करेंगे जल्दी से, कोई डाउट हो बताएंगे। मैम वो ऐसा है मोबाइल कि उसको टच करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ सर, कोई उसको कुछ ऐसा करो ना कि उसमें मतलब सही वाला। हाँ मैम, वो जो सर पहले लगाते थे ना उससे क्या, अभी तो ठीक है, वो 10th क्लास का बैच है उसमें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसमें तो स्टूडेंट चलो ठीक है कम आए हैं, उसमें तो ज्यादा स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ भाई करो, हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट, सारे बन गए, तुमसे भी उसने तो कर रखे हैं, तुमने कर लिए। अरे वाह, कौन सा बेटा? वन पॉइंट थ्री का फिफ्थ। X such that X is a triangle in a plane. X such that X is a rectangle in a plane. Not a subset. Rectangle के अंदर भला triangle कहाँ मिलेगा? Diagonal मत करो ना, किसने बोला है? हाँ diagonal वाला है तो बन सकते हो, with diagonal होता तो बन जाता, ठीक है ना? But यहाँ पे होगा not a subset. बच्चों question number 5 की बात हो रही है, कह रहा है x such that x, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का फिफ्थ, x such that x is triangle in a plane and x such that x rectangle in a plane, तो ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल का सबसेट हुआ? नहीं, ट्रायंगल की दुनिया रेक्टेंगल के अंदर नहीं होगी। हाँ अगर ये कहता कि ट्रायंगल की दुनिया पॉलीगन के अंदर होगी तो होता, क्योंकि ट्रायंगल भी एक वैरायटी ऑफ पॉलीगन है, ट्रायंगल इज ए टाइप ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना, तब होता, बट रेक्टेंगल के अंदर नहीं होगा। हो गया, तुम्हें वो ग्रुप में होना, तुम वो निकालो वर्कशीट जो मैंने दिया है, मोबाइल लेके आया करो, मैंने जो उसमें वर्कशीट दी है वो निकालो, तुम भी हो ग्रुप में, निकालो वर्कशीट, ग्रुप पे जाओ, क्लास 11th पे जाओ, खाली बैठने का बिल्कुल नहीं है सीन। क्लास 11th है ना? हाँ ये देखो वर्कशीट है, ये चलो करो फटाफट। पहले एक काम करो, थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी जो है सेट की यहां से, अब इसमें कोई समझ में ना आ रही हो ये वाला नीचे एक थ्योरी पोर्शन, इसको पूरा पढ़ो, तुम लोग कर चुके हो ना?
ये थ्योरी नीचे लगा लो, हाँ ये यही है, डाउनलोड तक ना करी बच्चों ने। चलो हाँ पूरी इसमें समझो, कोई लाइन में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो, है ना, क्योंकि जब थ्योरी पूरी पढ़ लोगे तब नहीं मेरे कल ये सब करना है बेटा, और जल्दी करो, बहुत है ऐसा, इतने हैं कि पूछो मत, तुम्हारी मदद के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ बच्चों जहां भी डाउट हो दिक्कत हो बताना है, इन लोगों ने कर लिया है, आप लोग करो आराम से। ओपन हो गई बेटा, हाँ पढ़ो। हाँ नमस्कार सर, हाँ सर चल रही मेमोरी क्लास 4:50 है, जाना था सर लेने, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक, प्रैक्टिस वो बन रहे हैं, ये सिंबल नोट करते जाओ, हैं ये पहली बार आए हैं सिंबल, इनको नोट करते जाओ, नई चीजें मिलेंगी बेटा इस शीट में, और दिल लगा के देखो अच्छे से समझो, कोई दिक्कत, ये मोबाइल है किंडल है क्या, ये किंडल लग रहा है एकदम, हाँ बेटा कौन सा बेटा, ओके चलिए अब यूनिवर्सल सेट बता दूं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में है यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट, तो भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है लिखिए, लिखो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो दी गई सिचुएशन को देख करके बनाया जाता है, लिखो फॉर द गिवन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कह लो या सिचुएशन कह लो, फॉर द गिवन सिचुएशन गिवन कॉन्टेक्स्ट, फॉर द गिवन कंटेक्स्ट है, गिवन सिचुएशन है ना, फॉर द गिवन कंटेक्स्ट और गिवन सिचुएशन अ सेट, फॉर द गिवन कंटेक्स्ट और गिवन सिचुएशन अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट, मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी गई है और उस प्रॉब्लम में जितने भी सेट दिए गए हैं छोटे 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 उनको कंटेन करने वाला जो सेट बनेगा है ना, दैट इज ब्रैकेट में लिखो सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सबसेट, सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सबसेट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। Is called universal set, ठीक है? चलो देखते हैं, जैसे बेटा मान लो, अच्छा लिखो it is represented by capital U, it is represented by capital U, बेटा इसको capital U से show करते हैं, ठीक ना, थोड़ा flat बना देते हैं बेटा, इसका एक reason है क्योंकि हम लोग को union भी पढ़ना है, तो union को ऐसा बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा flat बना देते हैं, है ना, जिससे confusion ना हो, अभी हम लोग को आएगा union, है ना,
So a set that contains all the subset is called a subset. ठीक ना? अब example देखिए. मान लो बेटा, आपके पास एक situation दिखा रहा हूं मैं, देखो कैसे है ना, एक situation दिखा रहा हूं. आपकी स्कूल है, स्कूल में यहां पर क्लास वन है फर्स्ट, क्लास सेकेंड है, क्लास थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, फिर ट्वेल्थ है. ट्वेल्थ में दो सेक्शन है ना, एक बायो का सेक्शन है और एक मैथ का सेक्शन है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायो और मैथ दोनों ले रखा है. समझने की कोशिश करो, ये देखो इतने बच्चे, तीन चार बच्चे हैं, इन्होंने बायो और मैथ दोनों ले रखा है, तो ये कॉमन केसेस में आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसे बायो वाले भी हैं और मैथ वाले भी हैं, यस और नो? तो कुछ ये सिचुएशन है. तो इन सबको कंटेन करने वाला ये जो बड़ा सा सेट दिख रहा है, ये क्या होगा? स्कूल. क्या होगा ये? क्योंकि क्लास कहाँ, स्कूल के अंदर होंगी ना, तो जो भी होगा सारा मैनेजमेंट वो स्कूल का होगा. तो स्कूल का सेट क्या बन जाएगा बेटा? सुपर सेट. क्या बन जाएगा? सुपर सेट. और ये सारे हमारे क्या है, दिए गए प्रॉब्लम्स है, ये हमारे कंस्ट्रक्चुअल सेट्स हैं, छोटे 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 छोटे. सो फॉर द गिवन कॉन्टेक्स्ट अ सेट दैट कंटेन ऑल द सबसेट इज कॉल्ड सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट. समझ में आया? अब जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, क्लास वन, सो क्लास फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ यू, क्लास सेकेंड इज द सबसेट ऑफ यू, क्लास थर्ड इज द सबसेट ऑफ यू, लास्ट में क्लास ट्वेल्थ भी है, वो भी क्या है? सबसेट ऑफ यू. और सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा? यू, बड़ा वाला यू. सेट को मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूनियन करना. क्या करना? यूनियन. जैसे अगर मैं कहूं इंडिया में एमपी यूनियन, यूपी यूनियन, जितने भी अपने स्टेट हैं, अगर मैं सबको यूनियन कर, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, सब मिलाकर कर दूं, तो अपना जो सुपर सेट बनेगा वो क्या बनेगा? इंडिया. समझ गए ना? छोटे 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 सबसेट है और उनको मिला करके जो अपना सुपर सेट बनेगा वो क्या बनेगा? इंडिया बनेगा. आया समझ में ना? तो ये यूनिवर्सल सेट. अब देखिए, आप उसको देखो, ऐसा सेट देखो जो सबको कंटेन करे. अब ऐसा सेट जो सबको कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. ठीक है? हाँ बेटा, कोई लाइन आई प्रॉब्लमेटिक जो समझ में ना आ रही हो? समझ में आ रहा है? हाँ जी बोल बेटा. इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक ना? इसको बोलते हैं, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, बस अगला स्टेप यही है. ठीक ना? चलो बच्चों, अगला लिखो वेन डायग्राम. अगला लिखो वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम. ठीक ना बच्चों? देखिए, ये मैंने आपको ये दिखाया, ये क्या था? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. लिखो, द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम. मतलब वेन डायग्राम एक टेक्निक है जिससे हम किसी सेट को पिक्चर फॉर्म में दिखा सकते हैं. तो यहां पर इस सेट को मैं पिक्चर फॉर्म में दिखा रहा हूं, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम. क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम. वेन डायग्राम. ठीक है, क्लियर हुए ना? दो फैमिली थी, एक शर्मा फैमिली और एक थी गुप्ता फैमिली. समझ? शर्मा फैमिली थी और गुप्ता फैमिली. शर्मा के लोग कहते थे कि हमें गुप्ता नहीं बनना, गुप्ता फैमिली के लोग शर्मा कहते थे, शर्मा नहीं बनना. समझ गए ना? दो भाई थे या दो बहन थी, जो भी जैसा समझना हो. मान लो इसका मेरे ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी. समझ गए ना? अब इनके बच्चे हुए, ठीक ना? तो अब ये समझो कि अब उनके लिए तो ये कहना मुश्किल है, भाई चलो ये तो अपने एंसेस्टर से शर्मा सरनेम लेके आए थे, ये गुप्ता सरनेम लेकर के आए थे. अब जो बच्चे हैं उनके लिए डिफिकल्ट है कि वो शर्मा है या गुप्ता है, तो वो दोनों फैमिली को बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना बच्चों? तो यस. ये देखिए, मान लो ये चाइल्ड वन है और ये चाइल्ड टू है, तो ये इस फैमिली में भी कहलाएगा और ये इस फैमिली में भी कहलाएगा. कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना बेटा? क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से ये भी क्या है? ये वेन डायग्राम है. क्या है ये? वेन डायग्राम. बहुत सारी सिचुएशन है वेन डायग्राम की. देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी पर बैठा हुआ है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी. ए कौन है? चाइल्ड है. और बी कौन है? बड़ा है, इससे सुपर सेट है. तो ए इज द सबसेट ऑफ बी. बेटा ये भी क्या है? वेन डायग्राम. समझ में आया?
तो आपको कल कहां तक करना है, वेन डायग्राम तक आपको पूरा करना है। और बच्चों ग्रुप में मैं बहुत अच्छी अच्छी शीट भेजता हूँ, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो जो जहां तक आपको मैंने पढ़ा दिया है वहां तक आप लोग न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक ना, वहां तक आप लोग न्यूमेरिकल करिएगा, ठीक ना। आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, याद रखिएगा, खुद से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी ज्यादातर, तब आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बनोगे, तब आप कुछ नया कर पाओगे और कुछ बढ़िया कर पाओगे। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। यकीनन अगर आप लोग सब लोग आएंगे तो ये चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा। अब दोबारा इस चैप्टर को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये चैप्टर अगली क्लास में या दो क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, बस दो क्लास का मटेरियल बचा है। चलो थैंक यू बच्चों, फिजिक्स की क्लास है। करने के लिए जैसे एग्जाम में आने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, कल हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, जहां तक तैयार रहिएगा शाम को जब भी आप लोग का मन करे, ठीक है ना। ऑनलाइन सुबह पढ़ लोगे, ठीक है, 10 बजे हम ले लेंगे फिर क्लास आपकी, 10 बजे ऑनलाइन क्लास ले लेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया जोरदार जोरदार क्वेश्चन कराएंगे, है ना। हाँ सर, हाँ भाई बताओ, ये बताओ कोई दिक्कत रिलेशन फंक्शन में, कहीं पर कोई प्रॉब्लम? हाँ बताओ, क्या बताएं, क्या पूछना है? टाइप्स ऑफ फंक्शन कल पढ़ाए थे मैंने, टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में नहीं आया क्या? टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो भाई, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है अपन को, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बाद अब हमें ज्यादातर काम जो है ग्राफ से करना पड़ेगा, तो इसके लिए ग्राफ बनाने की आपको आदत पड़नी चाहिए। ग्राफ कहाँ सिखाया गया था? लास्ट ईयर एक चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे एक्चुअली ग्राफ की प्रिपरेशन होनी थी। तो अब आपको ग्राफ, अब जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं सिखाऊंगा अलग से, तो इसमें ग्राफ बनाना चाहिए। इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमको पढ़ना है एक तो जिसका नाम है 1-1, है ना, 1-1 को क्या नाम देते हैं बोलो? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव इसका मतलब सीधे ये होता है, एक इनपुट के बदले एक आउटपुट। 1-1 का मतलब होता है एक इनपुट के बदले एक आउटपुट, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। 1-1 के बाद होता है भैया ऑन टू, ऑन टू को बोलते हैं बेटा अपन सर्जेक्टिव,
सर्जेक्टिव यानी सारे सारे बन गए पापा, हो गया सर्जेक्टिव, छा गए गुरु, है ना। ऑन टू और वन वन और ऑन टू के बाद होता है वन वन ऑन टू, दोनों को मिला दो, वन वन और ऑन टू, तो वन वन ऑन टू क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव, वन प्लस वन एंड ऑन टू, वन वन और ऑन टू दोनों मिलाकर के बन जाता है बाइजेक्टिव। यार बाइजेक्टिव फंक्शन अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है। बाइजेक्टिव इसलिए जरूरी है कि बाइजेक्टिव फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। बाइजेक्टिव फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। क्यों? देखो बाइजेक्टिव फंक्शन ही इनवर्सिबल फंक्शन होता है, बाकी के फंक्शन इनवर्सिबल फंक्शन नहीं होते हैं, मगर जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो इनवर्सिबल है। इनवर्सिबल फंक्शन का इनवर्सिबल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसको आप पलट सको, जिसको आप पलट सको, ठीक है ना। यस बिल्कुल, जिसको पलट सको। ये देखिए अब मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या है। ये देखिए ये है अपने पास डोमेन, ये है कोडोमेन, आज की बात है फंक्शन कहाँ जा रहा है, ए से लेकर के बी, फंक्शन जा रहा है ए से लेके बी, ओके ए बी सी डी, ठीक ना। चलो इनको ज्वाइन कर दो। मान लो किसी पॉइंट, सपोज यहाँ पे पॉइंट है 99, ये इससे ज्वाइन है, ठीक ना। ए की इमेज क्या है 99, बी की इमेज क्या है 99, सी की इमेज है 99 और डी की इमेज है 99, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही फंक्शन है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअल फंक्शन है। अगर आप इसको पलटो तो देखो अभी बेटा ये है पापा ये है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको पलटो तो जब पलटोगे तो उल्टा फंक्शन बनेगा, बेटा ये है एफ, अब इसको पलटोगे तो बनेगा एफ इनवर्स, समझ गए ना, एफ इनवर्स बनेगा फंक्शन, मतलब रूल। अभी आपने गेहूं डाला है ना और आटा पिस के आ गया, अब कोई ऐसी जुगाड़ लगानी है कि आटा डालो और वापस गेहूं आ जाए, समझ गए ना, तो वो कहलाएगा इनवर्स फंक्शन। तो ये देखिए ये है 99, ये है 99 और ये कुछ ऐसी जुगाड़ लग गई एफ इनवर्स, है ना। अब ये सेट बी था, ये ए है, पहले ये जा रहा था ए से लेके बी में, तो अगर सीधा फंक्शन जाएगा ए से लेके बी में तो उल्टा फंक्शन आएगा बी से लेके ए में, तो उल्टा फंक्शन तो आ रहा है, बट देखो हो रहा सही कि नहीं, ये ए ये बी ये सी ये डी। अब देखो 99 के चार पापा हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आपको बचना है तो फंक्शन का वन वन ऑन टू होना जरूरी है, इसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी, है ना। देखो अब इसमें कैसे पलटो ए बी सी डी और यहां पर ले लो क्या 1 2 3 4, चलो चार एलिमेंट लिए। ये देखिए वन वन भी है और ये ऑन टू भी है, क्योंकि सारे के सारे पापा छा गए, पूरा का पूरा कोडोमेन क्या बन गया, रेंज बन गया भैया, कोडोमेन रेंज बन गया, मतलब ऑन टू, बस जितने लोग आए थे है ना सबके सब में, सबके सब अगर इसमें रेंज में आ गए, सबके सब निशाने में लग गए, तो ये कहलाएगा अपना ऑन टू। क्लियर हो गया ना, ये सबके सब हो गए, ये ऑन टू हो गए, ठीक ना, तो ये ऑन टू कहला गया। अब ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है, ठीक ना। शादियों वाले सम्मेलन हुआ करते हैं, सफल सम्मेलन कौन से होते हैं, वन वन ऑन टू, है ना। जितनी कन्याएं आई, जितनी वधु आई, उतने वर मिल जाए उनको, है ना। अब वर वधु का सिस्टम तो जानते हो भैया, एक का माला एक को ही पड़ेगा, दो को तो पड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो एक ने इसको माला डाला, इसने डाला, अब ये देखो ये सारे के सारे निशाने में आ गए जितने आए थे, तो ये फंक्शन कहला गया वन वन और ऑन टू। बोलो सारे वर निपट गए ना, सारे वर जो आए थे निपट गए, सब पे निशाना लग गया, समझ गया ना, तो ये कहलाएगा वन वन ऑन टू। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां से यहां जा रहे हो तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब पीछे आओ तो अब इधर से देखो, इधर से वापस आओ, नाउ इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। बताओ इधर से इसमें जाने में कोई बुराई है और वापस आने में कोई बुराई है, तो दोनों सही है ना, तो ये इनवर्सिबल फंक्शन है। तो कैसा फंक्शन इनवर्सिबल होता है, वन वन ऑन टू, नोट करो, ओनली वन वन ऑन टू फंक्शन इज इनवर्सिबल, केवल वन वन ऑन टू फंक्शन ही इनवर्सिबल होता है, वन वन ऑन टू फंक्शन ही इनवर्सिबल होता है। मैंने आपको 150 क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है ना, उसको उसके एक एक क्वेश्चन कर डालो, टाइम निकालो पढ़ाई के लिए। ऑनलाइन क्लास लगाता हूं, अगर पढ़ोगे तो लंबे समय तक पढ़ाऊंगा, उसमें खूब सारे क्वेश्चन भी कराता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ तो एक दो घंटे हैं, वहां तो आराम से फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं, खाना पीना वहीं चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए उसमें लंबी क्लास खींचती है। आप यकीन मानिए 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, तो यदि उसमें क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है, जैसे आपको लगता है यार अकेले अच्छा ही लग रहा है, तो जब कब क्लास लगेगी आपके साथ माहौल बनेगा, तो लंबे लंबे क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं। ये बड़ा मैंने थोड़ा फायदा देखा इस बार ऑनलाइन क्लासेस का, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब लगाने वाले तो देखो यार अपने से खुद लगा लेते हैं, 150-200 क्वेश्चन लगा लेते हैं,
बट जो नहीं लगा पाते उनके लिए है, उनको मदद की जाएगी। ये हो गया अपना क्या, वन वन ऑन टू इनवर्सिबल फंक्शन। अच्छा, यही इसी चीज के तार जुड़े हुए अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। आपने देखा होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर पढ़ लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, वेयर x इज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से लेके क्या प्लस पाई बाय टू। ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये क्यों करे इसको क्यों तोड़ा आपने इसमें, क्योंकि बेटा ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। अगर आप इसको इसमें रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे तो आपका ये जो फंक्शन रहेगा बाइजेक्टिव रहेगा, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है आपका इनवर्सिबल होगा, इस इंटरवल में आपका ये जो फंक्शन है इनवर्सिबल होगा, ठीक है, इस इंटरवल में आपका ये फंक्शन इनवर्सिबल होगा। अगर आप इसके बाहर जाएंगे तो इनवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है ना, अगर इसके बाहर जाएंगे तो इनवर्सिबल नहीं होगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बच्चा और कई सारे पापा, मगर इतने के अंदर एक बच्चा और एक पापा, समझ गए, इतने के अंदर एक बच्चा एक पापा। थोड़ी सी झलक देख लो, यदि इसको देखना है तो साइन एक्स का ग्राफ आपने सबने पढ़ा होगा, साइन एक्स साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, ये देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कूदता है, ये घूम कर ऐसे आता है इधर, और इधर भी ऐसे घूम करके जाता है, ठीक है ना। अब देखो तुमको इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ध्यान से देखो, तो ये है भैया माइनस पाई बाई टू और ये क्या है प्लस पाई बाई टू, हाँ है ना। तो अगर तुम इसको यहां से लेकर के यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसको घूमने का मौका मत दो। अच्छा, पीछे जाओगे तो देखो घूम गया, पीछे जाओगे तो घूम रहा है, हाँ या ना, पीछे जाओगे तो घूम रहा है और इधर जाओगे तो घूम रहा है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो यहां से यहां तक। अब देखो यदि रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसको घूमने का मौका नहीं मिला। अब एक इनपुट पर एक ही आउटपुट है और एक आउटपुट पर एक ही इनपुट है, समझ गए ना, एक इनपुट पर एक आउटपुट और एक आउटपुट पर एक इनपुट, चाहे इधर से देख, चाहे एक्स पे एक्स देके वाई देख लो, चाहे वाई देके एक्स देख लो। देखो एक्स देके वाई देखने का मतलब एक्स की वैल्यू दो, ये खींचो एक्स की वैल्यू, एक एक्स पर कितने वाई, एक ही वाई, देखना बेटा एक जगह कट रहा है, ये देखो एक एक्स और दो फटाक, एक एक्स पर कितने वाई, एक वाई, समझ में आया, एक एक्स पर एक वाई। जब हम एक एक्स पर एक वाई दे रहे हैं तो जब हम पलटेंगे तो हमें एक वाई पर कितने एक्स मिलेंगे, एक ही एक्स मिलेंगे, समझ गए ना। तो ये कैसा हो गया, इसमें बाइजेक्टिव हो गया, इसमें कैसा हो गया बाइजेक्टिव। यही कारण है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो डोमेन करनी पड़ती है बच्चों, वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। और याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल ब्रांच का डोमेन नहीं मालूम है, जो वो परेशान होने वाला है। तो प्रिंसिपल ब्रांच की डोमेन अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से बनेंगे, समझ गए ना। और मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं आते सरल हैं, मगर डोमेन याद ना होने से बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब या तो आपको ग्राफ आता हो तो आप बना लो वहां बैठ करके कि तुरंत तुरंत कैसा होगा, समझ गए। हाँ जी, प्रिंसिपल ब्रांच की जो डोमेन दी गई है बुक्स में वो याद कर लो, ठीक ना। जैसे कॉस इनवर्स एक्स की क्या होती है बताओ, जीरो टू पाई, बिल्कुल सही। तो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, जीरो टू पाई, अरे बुक के पहले पेज में दी गई भाई, है ना, तो याद कर लो प्लीज उसको अच्छे से, ठीक ना, तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा। चलो खैर, ये हो गई बात अपने पास रिलेशन फंक्शन की। अब भैया मैंने आज या कल, आज ही भेजे हैं कुछ क्वेश्चन ग्रुप में, फटाफट आ जाओ, मोबाइल निकालो भाई, सब लोग फटाफट मोबाइल लेके आया करो, हाँ चलो ओपन करो, हाँ एमसीक्यूज वाले हम टैग कर देते हैं जे। मिल गए जी, हमने टैग कर दिया जी, जी वाले, ओपन कर लो, मिल गए, मिल गए, हाँ अरे बिल्कुल भेजा है अभी। कौन कौन डाउनलोड नहीं किया है, जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं वे बेहद आलसी व्यक्ति हैं, बहुत आलसी हैं वो लोग। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया मतलब करने की कोशिश नहीं करिए भाई, ऐसा नहीं करो, इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू आएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। चलो भाई, हाँ पहला क्वेश्चन, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, अगर कह रहा है आर एक रिलेशन है ए से लेके बी में, मतलब एक है आर और आर जा रहा है कहां से लेके कहां तक, ए से लेके बी तक, तो बताइए आर क्या होगा। डी, डी ऑप्शन कह रहे हैं, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी होता है, बिल्कुल नहीं, रिलेशन ये तो सबसे बड़ा रिलेशन होता है ए क्रॉस बी, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, क्या होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इस करेक्ट आंसर है बी इसका, बी ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल सही, वन मार्क्स। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, भाई पहले डेफिनेशन थी मेरी पहली क्लास की, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट,
रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, हाँ, और अगर r इक्वल टू a क्रॉस b हो जाता था, मतलब सारी पॉसिबिलिटी साथ में हो जाती थी, तो मैंने बताया था इस विशेष प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, क्या बोलते हैं, हाँ, तो अगर r इक्वल टू a क्रॉस b होगा तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, सबके सब आ गए साथ में, यूनिवर्सल पूरा का पूरा a क्रॉस b सबकी रिलेशनशिप बना दिया आपने, है ना बेटा, देखो a क्रॉस b जैसे अपने पास सेट a है, a अपने पास मान लो 1 2 3 और b क्या है a b c, ये लो b है, अब a क्रॉस b बनाओ, कितने एलिमेंट बनेंगे a क्रॉस b में, तीन इधर तीन उधर, तीन तीन नौ, है ना, 3 3 जा 9, हां 1 कॉमा a 1 कॉमा b 1 कॉमा c, फिर 2 कॉमा a 2 कॉमा b 2 कॉमा c, 3 कॉमा a 3 कॉमा b 3 कॉमा c, भाई रिलेशन का मतलब ये है कि कुछ सेलेक्ट कर लो, इसके सबसेट होते हैं, आपने पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लिए, मतलब ऑल पॉसिबिलिटी ले ली आपने, दैट टाइम दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, तो अगर r इक्वल टू a क्रॉस b ले रहे हो बेटा तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, याद आया, लिख लो भाई यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, थ्योरी थ्योरी से कुछ नहीं, न्यूमेरिकल करिए दिमाग चलेगा, है ना, r इक्वल टू a क्रॉस b यूनिवर्सल रिलेशन, और मैंने कुछ बताया था, एक बताया था मैंने आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने क्या बताया था, अगर हर एलिमेंट केवल खुद के साथ कनेक्टेड है तो वो रिलेशन कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, अब यहाँ पे ए और बी में नहीं बनेगा क्योंकि वो खुद में बनता है, ए का ए से बनेगा, है ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 तब बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन, तो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन डन, इसका आंसर है भैया ए, ए आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, पहला क्वेश्चन डन, ओके आंसर है बी, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में, लेट a इक्वल टू 2, 3, 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन a इज रिफ्लेक्सिव, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंपल्सिव है, हर एलिमेंट खुद का जोड़ीदार हो, हर एलिमेंट खुद का रिश्तेदार हो, कितने एलिमेंट है, तीन, अब तीन एलिमेंट देखिए, तीनों रिश्तेदार कहां भरे हैं, पहले में नहीं भरे, पहले में नहीं भरे तो ये भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है और तीसरे में बिल्कुल सही है, सो आंसर हुआ इसका 2, 2, 3, 3, 6, 6, बिल्कुल सही, सी सी 2, 3, 6 है ना, करेक्ट आंसर सी, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, देन द डोमेन आर आर, ओ दिमाग लगाना है, बहुत एकदम फुल बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, दो कौड़ी का क्वेश्चन है, चलो लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, 2, 4, 6, चलिए देखते हैं बेटा, आपको मैसेज करता हूं मैं घर आके क्लास के लिए, ठीक है, हाँ देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 8 ये दिया है अपने पास, ये क्या है रिलेशन टाइप है, ये क्या है रिलेशन टाइप, मतलब x और b की रिश्तेदारी, x और y की रिश्तेदारी कुछ ऐसी है कि x में y का डबल जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए 8, x में y का डबल जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8, अब इतना कठिन दिया है मगर इसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल कर देते हैं, डोंट वरी, रिलेशन आर इज ऑन एन, हाँ रिलेशन का नाम है आर, एक रिलेशन है आर, आर इज द पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, भैया रिलेशन कहां से कहां जा रहा है, नेचुरल नंबर में देख लो दिया है ऑन एन, क्या लिखा है ऑन एन, मतलब भैया पहला एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर, बच गए रिलेशन नंबर, हमको कह दिया नेचुरल नंबर में, नहीं तो रियल नंबर होता कहां ढूंढते रहते, रियल नंबर में तो रूट रूट सब आते हैं, तो इसलिए इसने हेल्प के लिए नेचुरल नंबर दे दिया, चलो पकड़ो उसको, कर दें 2y, 2y इक्वल टू 8 माइनस x, सिंपल करते ना, तो y इक्वल टू कितना 8 माइनस x अपॉन 2, चलो अब देखना है कुछ ऐसा रखो कि नेचुरल आ जाए, शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, हाँ चलो 1 रखो, x की वैल्यू 1, 8 में से एक गया कितना 7, 7 बटे 2 3.5 नेचुरल नहीं है, नहीं जोड़ी नहीं बनेगी, समझ गए ना, रिश्तेदारी नहीं होगी क्योंकि रिश्तेदारी होनी किसकी, नेचुरल की, नेचुरल से, हाँ चलो पहला वन फेल हो गया, 2 8 में से 2 गए 6 बटे 2 3 बिल्कुल सही है, नेचुरल दिया, नेचुरल लिया तो पेयर क्या बन गया भैया 2, 3, 2, 3, एक्स की वैल्यू क्या दी 2, मिली क्या 3, भाई 8 में से 2 गए 6, 6 में 2 का डिवाइड हुआ कितना आया 3, समझ में आया बेटा, हाँ चलो भाई अब दूसरा करते हैं, 3 डालो 8 में से 3 गए 5, फेल कोई बात नहीं हटाओ, अगला 4 डालो 8 में से 4 गए 4, 4 बटे 2 2, बिल्कुल सही है, क्या डाला 4, क्या मिला 2, ठीक है, अगला
छह पे आ जाओ, है ना, सिक्स पे आ जाइए, एट माइनस सिक्स टू, और टू बाई टू वन, नेचुरल है, बिल्कुल सही है। तो कितना आ गया भाई, क्या दिया था, सिक्स दिया था, मिला क्या, वन, चेक करिए, ठीक है ना। आगे डालने कोई मतलब नहीं, क्योंकि आठ आएगा, एट माइनस एट जीरो आ जाएगा, और जीरो नेचुरल नंबर होता नहीं है, समझ गए ना। हाँ, अगर होल नंबर होता तो हो जाता। हाँ पूछो भाई, नहीं आया समझ, उड़ गया क्या, उड़ गया, किसको उड़ गया, आ गया समझ में, चलो ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, परी आज तो मैथ्स की क्लास चल रही है, हेलो परी, यस सर, हाँ बेटा मैथ्स की क्लास चल रही है, आप मैथ्स में बैठ रही हो क्या, सर वो पांच बजे फिजिक्स थी ना, हाँ तो बेटा वो फिजिक्स वाले ग्रुप में जाओ ना, ये तो आपका ट्वेल्थ वाला ग्रुप है, यस सर, हाँ फिजिक्स की एक और लिंक आई है बेटा, कभी भी ऐसी दिक्कत हुआ करे कॉल कर लिया करो, फिजिक्स की लिंक आई है, फिजिक्स चल रही है क्लास इलेवेंथ में, है बेटा, ठीक, हाँ भाई बाकी बच्चे आवाज आ रही क्या मेरी, यस सर, ठीक है चलो, ठीक है चलिए बच्चों, ठीक है ये हो गया, तो कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गया यार अपन, फोर्थ पे, ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द इंटीजर एक्स एंड वाई, कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ चलो कोशिश कर लो, पहले देखो ये रिलेशन जो है किस पे दे रहा, इंटीजर पे, मतलब ये रिलेशन इज सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, चलो इंटीजर से इंटीजर में कह रहा कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इक्विवेलेंस होने के लिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, चलो करके देख लें। अब वैसे मुझे जो सबसे ज्यादा डाउट बन रहा है, अब देखो नॉर्मली अगर इसको तेज करना है तो कैसे करोगे, ये बताओ इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर, तो इसमें एक्स प्लस वाई इवन इंटीजर कह रहा है, एक्स प्लस वाई इवन इंटीजर कह रहा है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, एक्स माइनस वाई भी इवन इंटीजर कह रहा है ना, ये भी इंटीजर होता है, एक्स रिलेटेड वाई, एक्स इक्वल टू वाई, मैं सबसे पहले डी ऑप्शन पे जाना चाहूंगा, मेरे को सबसे ज्यादा डाउटफुल लग रहा है डी, मेरे को सबसे ज्यादा डाउटफुल क्या लग रहा है डी, समझ गए, तो मैं डी पे जाऊंगा। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, आमीन क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो सर, कैमरा ऑफ है, एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं सर को बुलाता हूँ, राजू सर, इलेवेंथ क्लास की रिंक लिंक हमारे ग्रुप में डाल दो, अभी मैंने मैसेज भी किया है,
84251 84292। हेलो बोल दो, मैं तुमको पीडीएफ भेज देता हूँ। 84292 हाँ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ भाई, चार पांच छह लगाते रहो, खुद से क्वेश्चन लगाते रहो। चलो ठीक है, हाँ भाई सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे ज्यादा मेरे को जो सस्पिशियस ऑप्शन दिख रहा है भाई, फोर उठा रहा हूं मैं उसको, करवाऊंगा सारे ऑप्शन, आप जब तक कहोगे तो सारे ऑप्शन कराएंगे। तो पहला क्या रिलेशन दे रहा है, कह रहा है एक्स रिलेटेड टू वाई, इंटीजर एंड इंटीजर, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, कह रहा है रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। अब भैया देखो, अगर मैं कोई दो इंटीजर लूंगा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मैं कहूं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट, तो दो एलिमेंट बिठाल करके यहां पे देखिए, बोर्ड पे देखिए ध्यान लोग सभी लोग, अगर मैं दो इंटीजर ले लूं बच्चों 1,1 बिलोंग्स टू आर, चेक करो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है। इक्वल को देखो, हाँ इक्वल है ना, अगर केवल लेस देन कहता तो नहीं होती, बट इक्वल है ना, तो इक्वल सपोर्ट में है, मतलब हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ रिफ्लेक्सिव सेट बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा देखिए, अगर 1,2 मैं रिलेशन का पार्ट कहूं, 1,2 1 क्या है इंटीजर, 2 क्या है इंटीजर, है ना बेटा, 1 क्या है इंटीजर, 2 क्या है इंटीजर, क्या हो गया इसका, ठीक है हो गया, ये वाला है ठीक है। तो भैया 1 भी क्या है इंटीजर, 2 भी क्या है इंटीजर, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपन को जो रिलेशन बनाना था इंटीजर से इंटीजर बनाना है। अब चेक करो कि क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 2 सपोर्ट है, है। अब पलट दो भैया, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब 1,2 तो आ रहा है मगर 2,1 सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब बच्चों क्या हुआ, 1,2 तो रिलेशन का पार्ट है मगर 2,1 रिलेशन का पार्ट नहीं है। जब रिलेशन का पार्ट नहीं तो क्या सिमेट्रिक हुआ, नहीं हुआ, तो यही बाहर हो गया, समझ में आ गया ना। अब हम क्यों ट्रांजिटिव चेक करें, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्विवेलेंस, क्या बोला है, अगर एक भी प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। चलो आ गया समझ में, अच्छा और बताओ। हाँ बेटा भेज दिया तुमने, मैं भेज रहा हूँ जस्ट एक मिनट में, है नाम लिख के भेजो, क्लास क्या है, नाम क्या है, अभिषेक, ठीक है वेरी गुड। चलो भाई हाँ चलो बताओ, और कौन सा बताऊं बेटा, फोर्थ में मैंने डी बता दिया, और बताओ कौन सा बताऊं, डी के अलावा कौन सा, डी मतलब डी ही इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये आ गया इक्विवेलेंस नहीं है, बी, चलो देखते हैं, देखते हैं बी वाला, देखते हैं एक मिनट बेटा, देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन के अकॉर्डिंगली जमेगा अपना काम, रिलेशन के अकॉर्डिंगली जमेगा, कह रहा है कि एक्स वाई से ऐसे रिलेटेड है कि एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, बेटा ये कैसा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब हमारा जो बनेगा, अगर आप इंटीजर में बात करें तो अपन पॉजिटिव साइड के इंटीजर लेते हैं, वैसे तो लिखते लिखते बहुत दिन लग जाएंगे है ना, तो 0,0 1,1 2,2 3,3, क्योंकि x इक्वल टू y कंडीशन है तो x और y इक्वल होंगे। चलो बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, yes, है सिमेट्रिक है कि नहीं है, yes, पलटो पलटो वही तो आएगा, a कॉमा a को पलटोगे तो a कॉमा a ही तो आएगा, हाँ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्यों नहीं है, कौन सा रूल टूट गया, रूल तोड़ने पर ट्रांजिटिविटी नहीं होगी बच्चों, कोई रूल टूटा क्या, है ट्रांजिटिव है, कोई फंक्शन सिमेट्रिक तब नहीं होगा जब वो रूल तोड़ेगा। चलो देखो समझो, ये मैंने लिख दिया 1,1 अकेला, सेट क्या था, सेट था ए 1,2,3, चलो बोलो रिफ्लेक्सिव है नहीं है, नहीं है, नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का रूल है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, याद आया बोला था,
है ना, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट की जोड़ी खुद के साथ बननी चाहिए, किसकी केवल बनी है 1.1 की, समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, है सिमेट्रिक है, है क्योंकि कोई रूल तोड़ा नहीं है। ट्रांजिटिव है, है क्योंकि ट्रांजिटिविटी का रूल तोड़ा नहीं है, समझ में आया ना भाई। ट्रैफिक का चालान कब होगा, जब रूल वायलेट करोगे तब होगा ना, जब वायलेट ही नहीं हो तो क्यों चालान होगा, समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अब करो भैया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और बताओ कौन से में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 में बी वाला पॉइंट भी बता दिया, और बताइए, और बताइए बेटा, देखो बताओ मुझे कौन से में प्रॉब्लम है। एंटी सिमेट्रिक, यार एंटी सिमेट्रिक अलग से पढ़ाऊंगा मैं इसको, थोड़ा एक डेफिनेशन होती है, ये जान लो कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r, और कंडीशन होती है a इक्वल टू b, मतलब ये दोनों रहें ग्रुप में और ये आपस में बराबर हो जाए। इसको कहीं पर बादल बना के लिख लो, क्योंकि जब तक इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, this implies that b comma a belongs to r and a equal to b, this is called anti symmetric, hai na, aapne syllabus mein nahi hai, bas isme de diya hai, ha 1.1, ha ye anti symmetric hoga, theek hai na। chalo note kar lo, ha sari clear hai fourth mein, chalo fifth question kariye, fourth ke baad fifth। हाँ बताइए क्या है ये, हाँ बिल्कुल सही, ये देखिए ये जो है अपने पास, ये जो रिलेशन है, a कॉमा a बैठा है, b कॉमा b बैठा है, c कॉमा c बैठा है, a कॉमा b तो बैठा है बट b कॉमा a नहीं बैठा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है डेफिनेटली। तो भैया ये जो है इसका ऑप्शन नंबर है करेक्ट डी, दिस इज रिफ्लेक्सिव सेट, दिस इज रिफ्लेक्सिव सेट। ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव का इसलिए नहीं कह सकता हूं मैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव के साथ ट्रांजिटिव का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, और अभी ट्रांजिटिविटी में निकालने बैठूंगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, आप देख लो। चलो ट्रांजिटिव देखते हैं कि नहीं है, चलिए बच्चों देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। तो देखो ट्रांजिटिव, जहां से कहानी खत्म वहीं से शुरू होनी चाहिए, ए ए ए बी तो मिल जाएगा ना, ए बी है ना। अब ढूंढो और, ए बी 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 मिल जाएगा, बी बी नहीं, उससे क्या दिक्कत है। देखो ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ए बी तो है बट बी ए नहीं है यहां पे, है ना, सिमेट्रिक तो है ही है। अब ट्रांजिटिव देखो, तो ट्रांजिटिव में अपने पास जो पेयर बन रहा है, जो जोड़ी बना सकते हैं अपन, एक तो ए ए बन रहा है और एक है बी बी और एक है सी सी, कोई जोड़ी नहीं बनाएगा हालांकि, और दूसरा बनेगा लास्ट है ए बी। अब देखो जो ट्रांजिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन है, एक तो ये है और एक ये है। अब लिखो इनको अच्छे से, ए की दोस्ती ए के साथ है और ए की दोस्ती बी के साथ है, समझ गए, ये दोनों मैच कर गए, मतलब ये होना चाहिए ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी रिलेशन में है, ए कॉमा बी है, बिल्कुल सही, ठीक ना। दूसरा देखिए b कॉमा बी, अब इसको ऐसा लिखो, ए बी पहले लिखा और फिर बी बी बाद में लिखा, ये फिर से मिल गया, तो यार ये ए बी, हाँ तो ये ट्रांजिटिव b है, ठीक ना। तो ये देखिए ये जो रिलेशन है, ये जो है रिलेशन जो है ए बी सी में ट्रांजिटिव b है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, ये रिफ्लेक्सिव b है और ये ट्रांजिटिव b है, तो ये क्वेश्चन गलती से इसको इन्होंने ऐसा दे दिया है, गलती से हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई प्रिंट, तो ये आंसर रिफ्लेक्सिव b है और ट्रांजिटिव b है, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक छोड़ दो, अभी है नहीं वो सिलेबस में, नहीं है एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन, मैंने सीट में दी है उसको देख लेना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी, अभी आंसर शीट भी दे दूंगा, डोंट वरी। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 करिए, 6 1122 रिलेशन आर, कौन सा है ये रिलेशन, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, क्या 3 2 है, सिमेट्रिक तो नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है क्योंकि 2 2 का 3 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के लिए,
हाँ सेट 1, 2, 3 के लिए बोलो रिफ्लेक्सिव है नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है तो भैया ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अब बात आती है कि ये सिमेट्रिक है कि नॉट एंटी सिमेट्रिक है। इस 6 नंबर क्वेश्चन को ड्यू कर लो, लास्ट में एकदम कराऊंगा मैं, है ना। अब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक आपको बताना पड़ेगा, इसलिए इसको लास्ट में कर लो। चलिए 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। हाँ 1, 2, 3 तो इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, आराम से चेक करिए बताइए कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसलेटिव कौन सा नहीं है, और लिखते जाइएगा ऑप्शन, अभी चेक करेंगे हैं। हाँ कॉपी में कहीं पर एक ऑप्शन लिखते जाइएगा, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये। हाँ हाँ बेटा जी चलिए, फर्स्ट 1, 2, 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देखो भाई रिफ्लेक्सिव 1, 1, 2, 2, 3, 3 सब हैं। अच्छा 1, 2 भी है, 2, 1 भी है ना। और देखो कहीं पर ट्रांजिटिव को इसने रूल ब्रेक किया क्या, ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी है, 2, 2 बैठा है तो 2, 1 भी है, 1, 1 बैठा है तो 1, 2 भी है। नहीं तो पहले वाले में दिक्कत नहीं कोई, बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्सिव है, उठा है, इक्विवेलेंस है। सेकंड वाले में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव में देखो कौन कौन के पेयर बन रहे हैं, ये थोड़ा ट्रांजिटिव चेक करना पड़ता बच्चों है। तो 3, 3 और 3, 2 जोड़ी बन गई, क्या बन गया 3, 2 है, 3, 2, 2, 3 जोड़ी बन गई है, 3, 2 और 2, 2 है, ये भी आ गया 3, 2 है। तो भैया फर्स्ट वाला सब कुछ, सेकंड वाला सब कुछ, थर्ड वाला भी सब कुछ, करेक्ट आंसर डी, नन ऑफ दीज। 7th फिनिश, 8th पे आओ, 8th क्वेश्चन, 1, 2, 2, 3, 1, 3 बी ए रिलेशन ऑन ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया, नहीं है बिल्कुल नहीं है, सिमेट्रिक है ही नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करो, 1, 2 जोड़ी बन गई, 2, 3 बन गई है ना। अब देखो मगर रुक जाओ थोड़ा, इतने जल्दबाजी नहीं, 1, 2, 2, 3, 1, 3 अच्छा 1 के साथ जोड़ी बनाओ, नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव है। हाँ बच्चों डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए 9th पे आइए, 9th पे आइए, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 देन द रिलेशन 1, 1, 1, 2, 2, 1 क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, कभी नहीं है रिफ्लेक्सिव, 1, 2 है, 2, 1 है, मतलब सिमेट्रिक है। हाँ तो सिमेट्रिक है, आंसर नंबर बी सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक ऑप्शन में है और सिमेट्रिक है। ओके अगला क्वेश्चन, ए एक सेट है और बी भी एक सेट है, मतलब सेट ए से ए है, तो कल ही मैंने पढ़ाया है ये, अगर सेट ए में एन एलिमेंट है तो बताइए इसके टोटल कितने बनेंगे रिलेशन।
टू टू दी पावर एन स्क्वायर, क्योंकि कल मैंने पढ़ाए थे नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं टू की पावर एम इन टू एन, याद आया? Yes, अब इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो टू की पावर एन इन टू एन आंसर आएगा टू की पावर एन का स्क्वायर। नोट करिए, क्योंकि दोनों सेट सेम है, दोनों सेट सेम है बेटा, समझ में आया तुम्हें? हाँ, टू की पावर एन स्क्वायर, ठीक है। अगला 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 11, देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन 1 1 2। हाँ देखिए, डोमेन, डोमेन मतलब पहले एलिमेंट, रिलेशन के पहले एलिमेंट। हाँ भाई देखो कौन कौन है बच्चे, 1 और 2 1 और 2, करेक्ट आंसर डी, करेक्ट आंसर डी, ठीक है। हाँ अगला, अगर रेंज की बात करोगे बेटा तो रेंज क्या होगी बता दो इसमें, रेंज इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 में हाँ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दीजिए प्लीज। यस यस, ठीक है। तो 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी तो बताना है, क्या बताना है, रेंज बताओ भाई, वेरी सिंपल, बी सी, बी और सी के साथ पेयरिंग हो रही है तो करेक्ट आंसर है बी सी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, हाँ, नंबर ऑफ रिलेशन वेरी सिंपल, इसका एप्लीकेशन है 2 to the power 16, बिल्कुल सही फॉर्मूला होता है 2 की पावर m into n, मैं तो ये भी ना याद करूं, इधर 4 और इधर भी 4, कितना हो गया 16, 2 की पावर 16 हो गया, चलो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, a = 1 2 3 4 5 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ द कोरस्पॉन्ड टू द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, इसमें से कौन सा जो सेट है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। रुक जाइए, अभी ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मेरे को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ ए कोरस्पॉन्ड टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बच्चों नन ऑफ दीज लग रहा है इसका आंसर, कोई भी इक्विवेलेंस नहीं है, इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज लगा लो, कोई भी इक्विवेलेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन बेहद सिंपल, ये जिससे जवाब ना देते बने वो कृपया करके संन्यास ले ले पढ़ाई लिखाई से, उसे कोई मोह माया पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जा सकता है हिमालय की कंदराओं में। ए रिलेशन आर इज नॉन एम्प्टी सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन विच इज सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, करेक्ट आंसर बी, बिल्कुल सही। चलिए अब अपने आंसर मैच कीजिए, मैं आपको आंसर्स भेज रहा हूं, आंसर्स मैच कर लीजिए। एक बार बता भी दिया हूं फिर भी मैच कर लेते हैं एक बार, है ना, रिलेशन फंक्शन क्लास 12। चलिए देखते जाइए, पहले का ऑप्शन है बी, बिल्कुल सही, दूसरे का ऑप्शन क्या था, दूसरे का बी था भाई, दूसरे का बी था, हाँ नन ऑफ दीज है सी, तो दूसरे का, हाँ एक मिनट, दूसरे का ऑप्शन 2 3 6, देन विच ऑफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो उसमें तो ऑप्शन दिया ना 2 2 3 3 6 6, अच्छा तो वही है, अच्छा ऑप्शन बदल दिया और ऐसा कर दिया उल्टा सुल्टा, कोई नहीं, अपन तब भी सही थे अब भी सही है, ठीक है। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 2 4 6, बिल्कुल सही है, 4 चेक कर लीजिए, सही है ना, हाँ 4 तो मैंने बताया आपको, फोर्थ भी आ गया ना, भेज रहा हूं भाई, बाकी लोग को भेज देता हूं, ये लो सबको पहुंच गया, पाठशाला ग्रुप में डाला भाई, आंसर चेक कर ले सब लोग, 3 4th हो गया,
फोर्थ का भी सी बिल्कुल सही, फिफ्थ क्या था रिफ्लेक्सिव, हाँ इसका ट्रांजिटिव भी था और रिफ्लेक्सिव भी था, हाँ ऑप्शन लिख लेना चाहिए इसीलिए। देखिए अब इन लोगों ने केवल रिफ्लेक्सिव पे लगाया, गलत है भाई, है ना, इसका ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अगला क्वेश्चन, हाँ अब बता देते हैं भाई, ये देखिए क्या है सिक्स वाले क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। देखिए एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है कि इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। लिखिए, लिखो ए रिलेशन आर, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स, एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू एक्स, मतलब एक्स की जिस रूल से रिश्तेदारी वाई से है, वाई की उसी रूल से रिश्तेदारी एक्स से है, और एंटी सिमेट्रिक होने के लिए इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मीनिंग समझो इसका, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई, ये होता है। तो अगर ऐसा है तो एंटी सिमेट्रिक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 1, 2 क्या रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं है, बोलो भाई बैठा तो है, अब कैसा चाहते हो, 1, 2 रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 1, 2 रिलेशन का एलिमेंट है, जी हाँ 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, और का पलट करके क्या 2, 1 रिलेशन का एलिमेंट है, है देखो मतलब 1 रिलेटेड टू 2, 1, 2 रिलेशन का एलिमेंट है, मतलब सरल भाषा में 1 रिलेटेड टू 2, और 2, 1 रिलेशन का एलिमेंट है, मतलब 2 रिलेटेड टू जिस रिश्तेदारी से 1, 2 से जुड़ा हुआ है उसी रिश्तेदारी से 2, 1 से जुड़ा हुआ है, अर्थात क्या 1 और 2 इक्वल होंगे, मतलब 1 और 2 इक्वल होने चाहिए, बट आप लोग पढ़े हो क्या 1 रुपए 2 रुपए के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में नहीं होता है, मगर 1 और 2 इक्वल नहीं होते हैं, अगर होते तो ये सिमेट्रिक होता, और नहीं है, नहीं होते ना, एंटी सिमेट्रिक होता अगर होते तो, बट ये नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या आएगा आंसर, एंटी सिमेट्रिक या नॉट एंटी सिमेट्रिक, हाँ लिखो नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक, समझ गए, अगर होते तो एंटी सिमेट्रिक होता, ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। This implies that x equal to y, then only your relation is called anti-symmetric. ये नई चीज है भाई anti-symmetric. हाँ इसलिए ये relation not anti-symmetric है। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही आएगा, अगर anti-symmetric वैसे पूछेगा नहीं, सिलेबस ही में नहीं है, अगर फिर भी गलती हो गई तो ये हो, इतना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का भैया none of these बिल्कुल सही बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 का फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सारे इक्विवेलेंस थे, है ना, तो इसका नन ऑफ दी 7th भी सही अपना। 8th क्वेश्चन में 1, 2, 2, 3, 1, 3 क्या था, ट्रांजिटिव था, बिल्कुल सही, ये ट्रांजिटिव ही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1 क्या है, सिमेट्रिक, बिल्कुल सही अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 2n² बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हाँ डोमेन 1, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 रेंज बतानी थी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 भाई ये तो गलत क्वेश्चन है, कोई कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको, गोली मारो, नन ऑफ दीज। और अगला क्वेश्चन था क्या, हाँ तो इसका ये क्वेश्चन नंबर हाँ 15 है, और अगला वाला तो बन गया सबसे, है ना। चलिए ठीक है, बढ़िया है, तो ये अपने हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ये आपके सीबीएसई के ही क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये बताओ मुझे बुक से लेकर के आओ कोई क्वेश्चन, बुक में कोई डाउट हो तो निकालो, बुक में कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताइए।
बुक में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। देखिए मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन की चार पीडीएफ भेजी हैं, जिसमें मैं टैग कर रहा हूं ये भी मैंने टैग करी है। ये जो पीडीएफ है बच्चों, इसमें करीब 150-200 क्वेश्चन है, अभी जो मैंने टैग करी आपको पाठशाला ग्रुप में, इसमें करीब 150-200 क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग कर लीजिए, ये इससे ज्यादा आपके कॉम्पिटिशन में काम में आएगी और आपका चैप्टर बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत जबरदस्त मजबूत हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं है डाउट तो फिर मैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं। कौन? अच्छा वहां भी दिया है ना मैंने, उसमें भी दिया मैंने, हाँ उसमें भी दिया मैंने, मगर टैग नहीं किया मैंने, टैग कर देता हूं। चलो ठीक है, मतलब आप लोग को डाउट नहीं है, ये बहुत और अच्छी बात है। ठीक है हाँ, इसके क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ भेजे हैं इसमें चार मैंने थ्योरी भेजी है, दो थ्योरी शीट हैं और एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है और एक ही साथ में क्वेश्चन आंसर है पूरे उसके, तो वो आप लोग लगाइए ठीक है ना, उससे बहुत कुछ क्वेश्चन बनेंगे, भेज दूंगा बेटा। ठीक है अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है ना, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक टॉपिक ये है अपने पास में यार, डिफरेंशिएशन सबने कर रखा है कि नहीं कर रखा? पूरा नहीं कर रखा डेरिवेटिव? ठीक है फिर फंस गया अपन। चलिए हेडिंग डालिए बच्चों, मैट्राइसेस, ठीक है ना, मैट्राइसेस खत्म करेंगे जल्दी से। मैट्राइसेस कर ली हो क्या? अपन वो स्टार्ट कर दें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव पूरा पोर्शन हो जाएगा है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ वही आएगा, लिमिट ही आएगा उसमें बेटा, बिना लिमिट के कहाँ बनेगी कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए लिखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी जिंदगी का, आपके बढ़ते हुए भविष्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब तक पढ़ाई करोगे ये काम में आएगा आपको, तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता की जो पहली सीढ़ी चढ़ोगे उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आपको मिलेगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो बच्चों दो चीजें इसमें हमको पढ़ना है, बल्कि हमको तीन चीजें पढ़ना है, तीन चीजें पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला पार्ट हमको पढ़ना है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मैं कहता हूं आप लोग क्लास में कंटिन्यूअस रहिए, लगातार आइए, कंटिन्यूटी। दूसरा कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी का मतलब फंक्शन के फ्लो को चेक करना, टू चेक द फ्लो ऑफ फंक्शन, टू चेक द फ्लो ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फ्लो चेक करना। दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी, टू चेक वेदर द फंक्शन is differentiable, to check whether the function is differentiable, and tisra differentiation, to differentiate it। तीनों बातें हैं भाई, तीनों बातों का बहुत जबरदस्त उपयोग है और यही इस चैप्टर में आधार चलेगा अपना। तो पहला है कंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन का फ्लो चेक करना, डिफरेंशिएबल मतलब फंक्शन क्या डिफरेंशिएशन होने योग्य है कि नहीं है, फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और तीसरा अगर फंक्शन डिफरेंशिएशन करने योग्य है तो आओ इसका डिफरेंशिएशन करें, आओ इसको डिफरेंशिएट करें। तो पहला पार्ट शुरू हो रहा है बच्चों कंटिन्यूटी। ये देखिए आपके पास ये कोई फंक्शन है, ये है कोई फंक्शन, जहां फंक्शन शुरू होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन शुरू होता है और जिस पॉइंट पे फंक्शन खत्म होता है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अब दो मायने हैं इस फंक्शन को, और ये जो ग्राफ उल्टा सीधा आप कुछ भी बना दे अपने बोर्ड में तो ये कहलाता है वाई इक्वल टू एफ एक्स। क्यों कहलाता है वाई इक्वल टू एफ एक्स? क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्स देंगे तो बदले में आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, वाई। जो भी जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा,
जैसा काम कर रहे हो वैसा फल मिल रहा है, मतलब काम के अनुसार फल के लिए रूल सेट है, काम के अनुसार फल के लिए रूल सेट है, और वो जो रूल है काम के अनुसार ये रूल अलग अलग है भाई। ये भी बड़ी अच्छी बात है, कोई बंदा काम बहुत कम करता है और फल जबरदस्त मिल जाता है, कोई काम खूब करता रहता है और उसको फल नहीं मिलता है ना। तो सबके जिंदगी में रूल अलग अलग है ना। तो ये है जिस रूल से इनपुट और आउटपुट बंधे होते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन, जिस रूल से इनपुट और आउटपुट बंधे होते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन फंक्शन। जैसे गेहूं और आटा किस रूल से बंधे हुए हैं, चक्की के रूल से। गेहूं और आटे में संबंध का काम किसका है, चक्की का। समझ में आ गया, गेहूं और आटे में संबंध का काम है चक्की का। तो इसी तरीके से इनपुट और आउटपुट जिस रूल से बंधे हुए उसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। अब देखिए दो बातें हो सकती हैं बच्चों, एक मैं कहूंगा डोमेन, दूसरा डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट। तो ये कहां से कहां तक डिफाइन है फंक्शन, ए से लेके बी तक। अब दो बातें हैं डोमेन में, दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक्स बिलोंग्स टू या तो ओपन इंटरवल ए टू ओपन इंटरवल बी। अगर मैं x ओपन इंटरवल a और ओपन इंटरवल b लिखूं, इसका मतलब a पर आप फंक्शन डिफाइन नहीं, क्योंकि a आप हाथ नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये ओपन है। क्या है ये, ओपन है, और b भी क्या है, ओपन है। तो एक तो डोमेन का तरीका ये है दिखने का, ये ओपन है मतलब a पर हम आपको वैल्यू नहीं देंगे, हाँ a के आगे दे देंगे, हम आपको b पर वैल्यू नहीं देंगे, हम आपको b के पीछे दे देंगे क्योंकि b के आगे तो जा ही नहीं सकते हो, हम b के पीछे दे देंगे। दूसरा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। अब आते हैं फंक्शन की बात पे, ये फंक्शन आपने देखा, अब एक दूसरा फंक्शन देखिए, यस ये है पॉइंट a और ये है पॉइंट b, ठीक है। चलिए इन दोनों फंक्शन में बताइए बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इन दोनों फंक्शन। ये वाला कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, आप तो एक कदम आगे ही भूल गए। आप इसको कह सकते हैं कि सर आपने इसको बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दिया, यू हैव ड्रॉन दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, और आपने इसको बनाने के लिए पेन अपना लिफ्ट किया है। तो जिस फंक्शन को बनाने के लिए आपको ग्राफिकली पेन लिफ्ट करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, और जिसमें आपको पेन लिफ्ट ना करना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस है और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और ये जो है जिस पॉइंट पर आपको पेन उठाना पड़ा, सपोज अगर ये है पॉइंट ए, तो बेटा ये जो पॉइंट कहलाता है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब सवाल आएगा हमारे पास, कहेगा पता लगाइए कि ये फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है या कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या हम हर फंक्शन का ग्राफ बनाते रहेंगे, नहीं हम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाएंगे, समझ गए ना, क्योंकि हर फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, है ना, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम थ्योरेटिकली चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना। अब थ्योरेटिकली कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए हमें इस पॉइंट ए पे पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये क्लास में बैठे हुए किसी बच्चे का रोल नंबर है, मान लीजिए ये रोल नंबर है 15, ये रोल नंबर क्या है, 15 है। रोल नंबर 15 में कोई बच्चा बैठता है और मुझे पता करना है कि क्या भैया 15 नंबर का रोल जो बच्चा है क्या वो आया था या नहीं आया था। तो मान लीजिए 15 नंबर का रोल नंबर का बच्चा यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब मैं उसके कहने पे नहीं मानूंगा कि 15 नंबर के रोल बच्चे से, उससे मैं पूछूंगा कि क्यों भाई कल तुम आए थे, वो कह देगा हाँ हाँ मैं आया था भाई, आप भी सो रहे थे हम भी सो रहे थे, मैं आया था, ठीक ना, उसकी बात नहीं मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसके आजू और उसके बाजू दोनों वैल्यू से पूछते हैं कि क्या कल ये आया था या नहीं आया था। तो देखिए ये ए है, तो ए के जस्ट राइट, जिसको मैं आजू बोलता हूं, ए के जस्ट राइट वाली वैल्यू क्या होती मैथ्स में, ए प्लस एच, जस्ट राइट स्लाइड बिल्कुल। जैसे आप कहोगे 3, तो 3 के जस्ट बाजू वाला क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3.1 होगा, मैं कहूंगा तो बहुत दूर है, मैं कहूंगा 3.00000 अप टू दिल्ली तक 0, उसके बाद 1, इतने 0 लगा दो कि बिल्कुल अप्रोक्सीमेट घुस जाए उसके ऊपर, समझ में आ गया ना, उसके बिल्कुल बाजू से। तो इस पॉइंट पे अप्रोच करोगे आप बिल्कुल 3 के जस्ट स्लाइड। सो अगर आप राइट साइड से वैल्यू लेकर के आ रहे हो 3 पर, तो 3 से बड़ी वैल्यू लेके आओगे कि छोटी वैल्यू लेके आओगे, कैसे लाओगे भाई, राइट साइड से आ रहे हो ना, तो राइट साइड से तो बड़ी वैल्यू लेके आओगे ना,
3.1 बड़ी है, तो अगर आप राइट साइड से वैल्यू लेके रख के आ रहे हो तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड लिमिट अप्रोच, समझ गए? आप उस समय राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, समझ गए? तो उस समय राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे तो कैलकुलेट करना था 3, बट 3 तो एब्सेंट था, तो मैं पूछ रहा हूं किससे, 3 के आगे वाले से, f ऑफ 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? चलो f ऑफ 3 प्लस h से पूछ लिया, अब मैं a के आजू वाले से पूछूंगा, अभी आजू से पूछ लिया, अब मैं a के बाजू वाले से पूछूंगा, पीछे वाले से पूछूंगा, क्यों भैया? सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए। उसने बोला हाँ आया था। अच्छा बता इसका नाम, इनने बोला कि सर ये आया था और इसका नाम है के, है ना, ये इसका नाम है के। मैंने उसके बाजू वाले से पूछा, लेफ्ट वाले से, कि मैंने कहा क्यों कल ही आया था, उसने भी हाँ आया था, मैंने बता क्या नाम था उसका, बोला सर के था, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट वाले से पूछा कि क्यों कल तुम इस प्लेस पे आए थे, तो उसने बोला हाँ मैं आया था, बोले बताओ अपना नाम, उसने भी बोला मेरा नाम के है। मैंने F3 से भी पूछा, तो अगर किसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो गई, मतलब यकीनन वो पॉइंट प्रेजेंट था और वो पॉइंट कंटिन्यूअस है, हो गया, ठीक है, समझ में आया? तो लिखिए, लिखो, नोट लिखो, अ फंक्शन y is equal to fx, a function y is equal to fx is said to be continuous, is said to be continuous, is said to be continuous at the point x equal to a. A function is said to be continuous at the point x equal to a. एक फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कहा जा सकता है अगर, इफ ए फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a, तो ये देखिए ये आपका मान लीजिए कोई पॉइंट a है और इस पर ये कोई फंक्शन है, अब ये देखिए ये फंक्शन है, अब दिख भी रहा है ये कंटिन्यूअस है, तो हम पूछेंगे वैल्यू किस पर पूछेंगे, a माइनस एच पर, आजू और ये बाजू a प्लस एच पर, तो क्यों कब होगा कंटिन्यूअस, लिखो इफ f of a minus h equal to f of a plus h equal to f of a. अब समझ में आ गया? f of a minus h equal to f of a plus h equal to f of a. आजू वाले का ओपिनियन, बाजू वाले का ओपिनियन, खुद उस बंदे का ओपिनियन बराबर होगा, समझ गए? तभी ये फंक्शन इक्वल होंगे। और ज्यादा अच्छी बात करूं, और ये तीनों के ओपिनियन क्या होने चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, क्या होने चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ये बात मैंने क्यों बताई, अब आप मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली इनफाइनाइट आ गई, राइट हैंड लिमिट निकाली इनफाइनाइट आ गई, फंक्शन पे भी वैल्यू निकाली इनफाइनाइट आ गई, आप खुश हो गए, हाँ सर आपने जो बताया वही हुआ, तीनों वैल्यू सेम आ गई है और तीनों इनफाइनाइट है, हाँ सर हो गई कंटिन्यूअस हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो तीनों इनफाइनाइट आए हैं तो ये इनफाइनाइट वैल्यू है, तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट, कुछ भी आए निश्चित आए, समझ गए ना? हाँ, तो ये फाइनाइट वैल्यू, एक लाइन मैंने और जोड़ दी इसमें, फाइनाइट वैल्यू। ये क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब वैसे तो ये सिंबल मैं चलाता हूं, यूज करता हूं, मगर कई सारी बुक में इसको थोड़ा सा मॉडर्न करके सिंबल को करा गया है, एफ ए माइनस एच को, एफ ए माइनस एच मतलब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट, क्योंकि पीछे आएगा ना ए माइनस एच। अब बस इस चीज को समझना, तो इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, या एक मिनट, ऐसा नहीं, और अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए है कहां चाहिए, ए के पीछे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, भैया लिमिट काय पे ऑपरेट होगी, फंक्शन पे, एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू a प्लस काय पे ऑपरेट होगी फंक्शन पे समझ गए ना इज इक्वल टू f ऑफ a f ऑफ a ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट और ये है फंक्शन की वैल्यू ठीक है बच्चों क्लियर हो रहा है वो भी निशान समझ में आ रहा है हाँ और इन दोनों को मिला दो अगर ये है आजू से जाना और ये है बाजू से जाना इन दोनों को मिला दो अगर तो एक नया चीज बन जाएगा देखो अगर दोनों को मिला दिया तो इसमें आप पता नहीं कर पाओगे कि क्या लेफ्ट है क्या राइट है इसको फिर बोलोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू कितना एफ ए अब इसमें दोनों शामिल हो गए अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर ये कब यूज करें और ये कब यूज करें हम कैसे जानेंगे कि कब ये यूज होगा कब ये यूज होगा सुनिए जब सस्पिशियस पॉइंट के अबाउट जैसे ये पॉइंट है सस्पिशियस सस्पिशियस पॉइंट के आजू बाजू जब दो अलग अलग फंक्शन हो देखो ये फंक्शन यहां पे टूट गया ना तो आजू का फंक्शन अलग और बाजू का फंक्शन अलग तब ये अलग अलग वाला यूज करूं और जब सस्पिशियस पॉइंट के अबाउट एक ही फंक्शन चला आ रहा है फ्लो नहीं बिगड़ा देखो क्या यहां फ्लो बिगड़ा क्या तो आपको डायरेक्टली ये यूज करना पड़ेगा आपने यूज किया है लास्ट ईयर कहां यूज किया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती थी वन किया था ना हाँ तो वहां पे आप डायरेक्टली कहते थे जीरो है ना और अगर आप इसमें भी जीरो के आजू और जीरो के बाजू निकालोगे तो केवल आपका टाइम जाएगा नंबर उतने ही मिलेंगे और इस बार तो ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जितना फास्ट हो सकता अपन वो करेंगे ठीक है ना आज लिखिए होमवर्क एग्जाम्पल 4.5.1 जितने क्वेश्चन बन सके भैया करके लेके आना एग्जाम्पल 5.1 के मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में जाते यहां से आप लोग 5.1 के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाते आइए ठीक है चलो ठीक है होगी क्लास हाँ कंटिन्यूटी चेक करना फंक्शन का फ्लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू थैंक यू बच्चों थैंक यू सर थैंक यू बेटा थैंक यू सर राजू सर टेंथ में आ जाए यहाँ लगेगी सर उसको कनेक्ट कर दो